हेलो ग्रामर्स, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। एक बार मैं याद करा देता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच गया था, और फिर उसके आखिरी के एक आध स्टेप है फटाफट से ख़त्म करते हैं, और वो एक लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं चैप्टर का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि कल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि चैप्टर भी कल सुबह हो जाएगा, ठीक है जी। सेकेंड चैप्टर हमारा बिजनेस का ख़त्म हो गया, 12 है, 1/6 सिलेबस पूरा, ठीक है। 16.67% सिलेबस पूरा हो गया, गिन गिन के करते हैं मेरे को। आओ चलो जी करते हैं चर्चा शुरू। बाबू सिलेक्शन प्रोसेस हम पढ़ रहे थे कि कैसे एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होता है। सबसे पहली चीज जो हम स्टेप परफॉर्म करते हैं वह प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, याद है कुछ बात? क्या करते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में? बेटा जो लोग बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब है पूरा नहीं कर पाए पहले, वही बाहर हो गए, याद है ना। ओ मैंने एग्जांपल बता, 20 लोगों ने मेरे पास एप्लीकेशन भेजी थी, बायोडाटा भेजे थे, दो लोग बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरी नहीं कर पाए, इनकी एप्लीकेशन मैंने यहीं रिजेक्ट कर दी। अगला स्टेप होगा 18 लोगों से परफॉर्म, कुछ याद आ रहा है? ठीक है आगे बढ़ो। बाबू फिर हम कर रहे थे बेटा कुछ टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, 5 तरीके के टेस्ट। मैंने पहले बोला था एप्टीट्यूड, फिर ट्रेट टेस्ट, फिर बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, याद है बात? अच्छा 18 लोगों के टेस्ट कंडक्ट करे, 10 लोग टेस्ट में बाहर निकाल दिए, बचे 8। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मैंने बहुत सारी चर्चा की थी इंटरव्यू पर, याद करो आपका, ठीक है ना। बताने की कोशिश की थी कैसे वो फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन है। बाबू 8 में से 3 लोग इंटरव्यू में उड़ा दिए हमने, बचे 5। फिर हम कर रहे थे रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, रेफरेंसेस चेक कर रहे थे ना। और वो मैंने रेफरेंसेस चेक करनी शुरू करी, प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में पूछा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मेरा एक फ्रेंड 1.5-2 साल अनएम्प्लॉयड था, इसी उन्होंने रेफरेंस दे दी, मैं यहाँ जॉब करता था, खाली प्लॉट था वो, याद है बात? ठीक है सर, एक आदमी की रेफरेंस गलत आ गई 5 में से, वो भी बात, बचे कितने? 4। वो फिफ्थ स्टेप कहता है, नोट्स में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी स्टेप बिल्कुल सही नंबर पे लिखा है, सिलेक्शन डिसीजन, क्या सिलेक्शन कर। पर मैंने आपको क्या बोला था कि जितने एम्प्लॉय का आप सिलेक्शन करने की सोच रहे हो ना, उससे कुछ ज़्यादा का ही सिलेक्शन करना। मान लो मुझे एक ही अकाउंट्स का टीचर चाहिए, पर मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं, तो मैं एक नहीं सोचूंगा, मैं 2 सोचूंगा या 3 सोचूंगा। क्यों? क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब मान लो अगर मैं सिलेक्शन डिसीजन एक ही आदमी के लिए कर लूँ, और कल को मैं उससे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांग लूँ और वो मेडिकली फिट ना है, तो क्या होगा? तो फिर मेरा सारा रहता हो गया, पिछला करा कराया, खर्चा खराब हो गया, सबको मैं घर भेज चुका हूँ रिजेक्ट करके, समझ में आ रही बात? तो एक आध लोग को स्टैंड बाय में रखना, स्टैंड बाय में रखना बहुत जरूरी है। एक आदमी को बोलते हैं ना कि तू सेलेक्ट हुआ है, कल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आ रहा है, लेकिन एक आदमी को साथ साथ ये भी बोलते हैं ना, आप स्टैंड बाय में हो, अगर ये मेडिकली फिट ना है तो आप आओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाकी सबको रिजेक्ट करने का भेज दो, ठीक है जी। ओके भाई, अब वो लास्ट के 2 स्टेप बचते हैं। अब शायद थोड़ा बहुत आपको मेरे समझ में कि मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं आया तो 10 मिनट के बाद एक नया टॉपिक है वो समझ में आ जाए। वो 7 स्टेप होते हैं जॉब ऑफर, और 8 स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और वो आराम से समझना इन दोनों स्टेप की इंपॉर्टेंस, और डिफरेंस भी आराम से देखना। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये तो दोनों स्टेप हैं। एक 11th क्लास में मैंने जब बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पढ़ाया था, तो एम्प्लॉयमेंट में इन दोनों स्टेप की बात कर रखी है, आपको याद पक्का आ जाएगा, जिन्होंने मुझसे बीएससी पढ़ी है सुन लें, नहीं पढ़ी और फोकस करो। बाबू आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे आए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है का, हम आपको बताएंगे कि हम आपको कब से बुलाएंगे, ठीक है, मेल कर देंगे या चिट्ठी भेज देंगे, कुछ भी कर देंगे। आज की चिट्ठी तो मेल ही है, ठीक है, वो तो पुरानी चिट्ठियाँ थी, पुराने टाइम में जॉब ऐसे ही मिलती थी, चिट्ठी आती थी घर पे, तो वो आज चिट्ठी आती है, बस वो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, ईमेल आती है, ठीक है। तो आपको बोल दिया मेल एड्रेस लेके कि आपको बता देंगे कब से ज्वाइन करना, ठीक है, आदमी को घर भेज दिया। बाबू हमने उसको 5-4 दिन के बाद एक मेल भेजी, उसने मेल में मेल को ओपन करा, मेल में अटैचमेंट खोली, अटैचमेंट में जैसे ही क्लिक किया, बहुत बड़ा बड़ा बीच में लिखा था लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर,
लिखा हुआ था यू मिस्टर दिस एंड दैट, सन ऑफ दिस एंड दैट, आपका एड्रेस लिखा हुआ था, आपको हमने किस पोस्ट के लिए, किस लोकेशन के लिए सेलेक्ट करा है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब करने में तो इस डेट पर, इस टाइम पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करें। यानी कि जॉब ऑफर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, जॉब ऑफर हमेशा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से होती है, और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत ब्रीफ होता है, कुछ ही बातें इंक्लूड करता है। क्या क्या बातें इंक्लूड करता है थोड़ा सा ये समझते हैं। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस पक्का लिखा होगा, ये भी लिखा होगा अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो हमारी किस लोकेशन पर, किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये भी लिखा होगा किस टाइम पर आना है, रिपोर्टिंग डेट क्या है, मतलब रिपोर्टिंग डेट भी लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम भी, लोकेशन भी, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। मान लो बाबू आप 24 तारीख को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देके आए 24 अप्रैल को, आज 29 अप्रैल को ऑर्गेनाइजेशन ने मेल डाली और आपको बुला रहा कि अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो 5 मई को हमारे स्कूल की इस ब्रांच में आ जाना, हमारे स्कूल की मान लो 10 ब्रांचेज हो सकती हैं, इस ब्रांच में आ जाना, उसका एड्रेस ये है, और रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे सुबह, रिपोर्टिंग डेट 5 मई, ठीक है। हमने जॉब ऑफर करी, बेटा जॉब ऑफर करना अ काइंड ऑफ प्रपोजल है, ये सामने ऊपर, सामने वाले के ऊपर जिद नहीं है कि तुझे आने ही आना है, उसकी इच्छा है। हो सकता है वो इंटरव्यू या सिलेक्शन टेस्ट ऐसे ही दे रहा हो शौकिया, हो सकता है उसने 10 जगह अप्लाई करा हो, आपकी उसको जॉब ही एक्सेप्ट ना हो, तो आप उसको अपनी तरफ से जॉब ऑफर कर रहे हो, पक्का काम होगा वो 5 मई को 10 बजे पहुँचेगा कि हाँ वो जॉब करना चाह रहे हैं। तो मान लो बाबू 5 मई को सुबह 10 बजे को पहुँच गया लेटर अपॉइंटमेंट लेकर कि सर आज से मेरी ज्वाइनिंग है, ये लो सर रिसेप्शन पर उसने लेटर दे दिया आपके स्कूल, मतलब सर 2 मिनट वेट करो मैं अभी प्रिंसिपल साहब से मिलवाती हूँ। आप प्रिंसिपल साहब ने 5 मिनट बुला लिया आपको अपन कर गए, मैंने कहा ठीक है इसका मतलब आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, मैंने सर बिल्कुल तभी मैं यहाँ पर हूँ, उसने कहा ठीक है आप एक काम करो, ये कुछ हमारी शर्तें हैं नौकरी करने की, पर वो ये नौकरी करने की शर्तें ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं, 11th क्लास में आप बोलते थे सर्विस एग्रीमेंट, याद कर लो एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ आज भी, सर्विस एग्रीमेंट बोलते थे या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे, या कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, सबका मतलब क्या। तो बाबू इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखते होते हैं नौकरी करने की शर्तें, समझ में आ रही है बात, नौकरी करने की सारी शर्तें लिखी गई बाबू। अब ये शर्तें कितनी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, सर एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन में भी ये शर्तें 6 से 7 पेज की रहती हैं, और MNC में चले जाओ 20-25 पेज तक चले जाते हैं। तो आपको कहा जाता है कि एक बार इसको ढंग से पढ़ लो और साइन कर दो तभी आप नौकरी शुरू कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। बेटा इसमें लिखा क्या रहता होगा, वो देखो सबसे पहली बात जो इसमें लिखी रहती है वो यही लिखी रहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं आपको। बेटा आपको समझो एक बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे पता लगेगा कि ये इंसान ब्रांच मैनेजर है, मुंह से बताया हुआ सबको, कल से तो ब्रांच है या तो क्लर्क, तो प्रोबेशन ऑफिसर, तो लोन एड्रेस है, कल को मुंह से ही मुंह करके तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा रहता है आप बैंक में क्या हो। दूसरी चीज जो लिखी रहती है वो लिखे रहते हैं आपके पे पैकेजेस। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी रहती है लीव रूल्स, छुट्टियां कितनी, कैसे, क्या क्या मिलेगी। सर चौथी चीज जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी लिखी रहती है ड्रेसिंग सेंस, और ये सर हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग हो सकता है। अगर मैं MNCs की बात करूँ, आपको याद भी आ रही होगी बात, मैं 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाता हूँ, और वो ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो MNCs कहती हैं बेटा आपको बिल्कुल प्लेन शर्ट पहननी है, ट्राउजर पहनना है, ब्लैक लेदर शूज, लेदर बेल्ट, दैट्स इट, कोई चेक नहीं, कोई जीन्स नहीं, कुछ नहीं, MNCs तो पहननी है। अगर थोड़ी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ वो भी कहती है फॉर्मल वियर ही पहनना जो मैंने बताया, बस वो थोड़ा सा चेक अलाउ कर देती है, और जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल गिरता रहेगा ड्रेसेस भी गिरती रहेंगी आपकी। वरना मैं सरकारी बैंक में भी जाके देख लो किसी में भी,
कोई ड्रेस का कल्चर नहीं हो, कोई फॉर्मल वियर नहीं हो, जीन्स में ही बैठे होंगे आधे से ज्यादा। पर बाबू आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं इस पर और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, आपको याद होगा इवेंट में कितनी चर्चा की। ठीक है, याद है कुछ वैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? चलो एक बार बोल देता हूँ इन सबके लिए ताकि इनको बता दीजिए जो नए हैं। बाबू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एक बात और सुन लो, अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, मतलब होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी होटल मैनेजमेंट करते हुए, सबसे पहली शर्त है क्लीन शेवन होना, बिल्कुल क्लीन शेवन। और आपको बता देता हूँ, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड या अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, जैसे ही आप आते हो आपका सुपरवाइजर सबसे पहले दाढ़ी चेक करता है, सबसे पहली चीज। और इतना कलाकार होता है ना वो, क्योंकि उसने इतने सारे स्पोर्ट्स पे बता दिए होते हैं, आप खुद बता देते हैं ये तो एक दिन की दाढ़ी है, आपने आज शेव नहीं करी, घर चले तो शेव करते हो, डेली शेव करनी होती है डेली। देखो बड़ी सीधी सी बात है भाई, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, अभी खाना बनाओगे कोई सर्व करेगा ऐसे ही होगा? एक छोटा सा बाल भी अगर आपकी बियर्ड का यहाँ से टूटकर खाने में गिर गया तो वो लोग धमाका मचा देते हैं, आपको आइडिया होगा इस चीज का, लोग नहीं छोड़ते, पूरा होटल एक मिनट में बदनाम करके रख देते हैं। कोई होटल ऐसा रिस्क लेता नहीं बाबू, कोई भी होटल। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ना है आगे, मैं और बात नहीं कर रहा, मैंने इसमें बातें करने के लिए बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैं पूरा एक दिन निकाल सकता हूँ, इतनी अच्छी बात है मेरे इसमें। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बात को, बाबू सिलेक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बाबू मैं अपने आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूँ, चैप्टर खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बड़े काम का टॉपिक है, नाम से यहाँ से लिख लो, एक बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, कोई कुछ है पर एक बार पक्का है कुछ। ठीक है चलो खैर देखते हैं समझते हैं इसको। बाबू आपको याद है मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्लियर किया था आपको? स्टार्टिंग प्रोसेस पढ़ा था, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस पता है ना? एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ सुन लो सारे। बाबू ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है एंड जनरली इट इज रिलेटेड टू योर जॉब पोजिशन। अब मान लो एक फॉर्म में बेटा अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, ठीक है, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, 25 साल से अकाउंट्स बना रहे हो अलग अलग फर्मों में, बहुत पढ़े लिखे हो, तब भी आपका सब सिलेक्शन होगा ना, आपको कहा जाएगा सर हमारा सॉफ्टवेयर अलग है अकाउंटिंग का। ठीक है आपको अकाउंट्स की बहुत समझ है, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस शीट तक आप सब समझते हो, पर फिर भी हमारा सॉफ्टवेयर अलग है, वो तो चलाना सिखाना पड़ेगा ना, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग आपकी जॉब से रिलेटेड होती है पहली बार, और एक ही स्पेसिफिक फील्ड में होती है। बाबू डेवलपमेंट हमेशा इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल द रिस्पेक्ट एंड इट मे बी रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन और नॉट। बाबू ये आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए है, ये जरूरी नहीं है जॉब से रिलेट करे। जैसे कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर हमने सारे एम्प्लॉय के लिए इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया 7 दिन का, कोई काम नहीं करेंगे हम, बस आप इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम है आपके लिए, या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका, सर इसका जॉब से क्या लेना देना कॉन्टेंट भी, पर ऑर्गेनाइजेशन पैसा खर्च कर देती है आपकी डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट सोच रही है आप। समझ में आ रही है, ये फर्क होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। आगे बढ़ाए बात को, बाबू ट्रेनिंग मेरा मुद्दा है, ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। सबसे लास्ट पेज पे हो आप, अगर आप स्टाफिंग चैप्टर देख रहे हो तो स्टाफिंग चैप्टर के सबसे लास्ट पेज पे, और नहीं भी देखोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सामने बात कहते हैं बिल्कुल यही बात सबसे अच्छी लगती है मुझे आपकी। ठीक है ना, कि मुझे नोट्स खोलने नहीं पड़ते, मैं जैसे थोड़ी देर बाद एक चुपकी। चलो आओ बेटा, ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। नाम से कुछ समझ में आ रहा है कुछ कुछ? बाबू ऑन द जॉब का मतलब पता है क्या होता है? जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब लर्निंग व्हाइल यू एक्चुअली डूइंग,
सीखते रहो, काम करते रहो, मतलब जॉब भी चली जा रही है, ट्रेनिंग भी चली जा रही है साथ साथ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। और ऑफ द जॉब आप तो गेस कर सकते हो, पहले ट्रेनिंग बाद में जॉब, या साथ साथ पर कोई बात नहीं है, यानी कि लर्निंग बिफोर यू एक्चुअली डूइंग, पहले सीख लो बाद में होगी नौकरी, समझ में आ रही बात। ऑन द जॉब मतलब लर्निंग व्हाइल यू डूइंग, सीखते भी रहो जॉब भी करते रहो, और ऑन द जॉब लर्निंग बिफोर यू डूइंग, पहले सीखो बाद में होगी नौकरी, ठीक है। बेटा मेरे कोर्स में ना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ही मेथड है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। और बाबू यहां पर तीन है, ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि ये भी आज खत्म हो जाएगा और ये तीनों भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा क्लोज आ जाऊंगा मैं चैप्टर खत्म करने के, एक आध मिनट का फिर और मुद्दा बचेगा, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है बाबू। एक ही मेथड है, मेथड का नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, लो जी समझते हैं बाबू। ऑफ द जॉब है मतलब समझते हैं ना सब, आप ऑफ द जॉब का मतलब क्या है, पहले ट्रेनिंग ली जाएगी, जॉब बहुत बाद में होगी। बेटा दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, ये ट्रेनिंग कभी एक्चुअल वर्क प्लेस पे हो ही नहीं सकती, कहता है ये ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस से बहुत दूर होती है बाबू। ऐसा क्यों समझते हैं बेटा, ऐसी ट्रेनिंग में ना एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, मैंने ये वर्ड कभी नोट्स में नहीं लिखा क्योंकि मैं काम की बात कोई नोट्स में नहीं लिखता, बच्चों को ही लगता है कि मेरे नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सच में सबको बांट देना, कुछ नहीं लिखा हुआ काम आप खुद लिख लेना, ठीक है बेटा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, बट यू मीन प्रोटोटाइप, हूबहू वैसा ही एटमोसफेयर जैसा आप रियल वर्क प्लेस पे देखोगे, बिल्कुल वैसा एटमोसफेयर क्रिएट किया जाता है, बट इट इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस, एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं हो रही, एक्चुअल वर्क प्लेस से बहुत दूर हो रही है, पर बिल्कुल वैसा ही एटमोसफेयर क्रिएट करके दिया है, वैसे ही टूल्स, वैसे ही इक्विपमेंट, वैसे ही रॉ मटेरियल दिया जैसा आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे देखो, तो जब कुछ जब सब कुछ वैसा ही किया है तो ये ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस पे कराने में क्या दिक्कत है। वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे जो आप टूल्स इक्विपमेंट हैंडल करने वाले हो ना, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, आपकी एक गलती और ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों अरबों के लॉस में आ सकती है, इस वजह से कभी ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं हो सकती। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ वरना आपको लगेगा बात गोल गोल घूमने जा रही है और कुछ नहीं होता। पायलट की ट्रेनिंग, ऐसा कह सकते हैं आज जहाज तेरा भाई उड़ाएगा, ऐसा कह सकते हैं, अरे कोई नहीं ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले, थोड़ा सा आता ना उड़ाना, अच्छा इंजन स्टार्ट करना है तेरे, बाकी मैं ऐसे कहा तुम बैठ दो यहाँ, बंदे मार देगा सारे, समझ में आ रही बात। क्या पायलट की ट्रेनिंग हो सकती है ऑन द जॉब, नहीं, क्या करना पड़ेगा ऑफ द जॉब, एक्चुअल वर्क प्लेस पे कभी नहीं हो सकती, क्या करना पड़ेगा एक्चुअल वर्क प्लेस से बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा उसको। अब वो कुछ नहीं होता पायलट की ट्रेनिंग में, एक रोम होता है बस, और सामने स्क्रीन लगी है, और यहाँ बिल्कुल इंजन बनाया हुआ है, जैसे इंजन में जितने भी बटन्स हैं सब कुछ बिल्कुल वैसा, बिल्कुल वैसी फील ली जाती है जैसे कि आप स्काई में हो, जबकि है सामने स्क्रीन सिर्फ। कितनी बार आपकी लैंडिंग पे टेस्टिंग होती है, जब आप लैंडिंग बहुत अच्छी करने लगते हो, सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन में आपका मतलब करते हुए, आर्टिफिशियली करते हुए आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है, फिर जाकर एक्चुअली में कराई जाती है लैंडिंग, लैंडिंग बहुत लेट कराई जाती है आपसे। और जब पायलट भी बनते हो ना तो उसमें भी बड़ी अलग अलग कैटेगरी होती है, इनिशियली जब आप पायलट होते हो तो जब तक विजिबिलिटी 100 मीटर नहीं होती तब तक आपको फ्लाइंग की इजाजत देनी होती, जब बड़े ए क्लास पायलट बन जाते हो अगर विजिबिलिटी 5 मीटर है तब भी आपको कहा जाता है आप फ्लाई करो, मतलब इतना आसान काम नहीं जितना लगता है, समझ में आ रहा है। तो एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, एक रूम में ही होती है ट्रेनिंग, और कई महीनों तक होती है, समझ में आ रही है आपको ये बात, क्लियर है। क्यों नहीं एक्चुअल वर्क प्लेस पे हो सकती, मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी, मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाए, प्रोटोटाइप क्या चीज होती है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेटा, जब भी कोई स्पेस में जा रहा है इतना करोड़ों रुपए फूंक के जा रहा है,
ठीक है ना, आप देखते हो बाबू 6 6 महीने लोग वापस नहीं आते, क्योंकि पहुंचने में बेटा आपके करोड़ों लगे होते हैं। अब छोके तो नहीं आना ना, खाली रिसर्च करके आना है। 6 6 महीने लोग वापस नहीं आते। कल्पना चावला और बतेरों का नाम आपने सुन रखा है, राकेश शर्मा, सबका नाम सुना है। 3 महीने 6 महीने साल भर लोग बिता कर आते हैं। सर वो एटमोसफेयर बिल्कुल अलग है, मान तो रही है बिल्कुल अलग। माशाल्लाह हमारा वेट कितना रह जाता है, 1.6 या 1.9 बोलिए, मैं तो 1.6 रह जाता है शायद, है ना? मैं सही प्लेनेट पे हूँ वो 1.6 रह जाता है ना वेट। जब आप खुद समझो, अगर सीधा यहाँ लैंडिंग हो जाए अर्थ के एटमोसफेयर में, मैं आपको बता देता हूँ आदमी खत्म है, बचेगा नहीं। आपको आइडिया भी नहीं होगा शायद, जब एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग होती है एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है उनके लिए अलग, बिल्कुल वैसा ही एटमोसफेयर जो उन्होंने स्पेस में देखा। सीधा वो आप मीडिया से बात करने भी शुरू कर देते हैं, मीडिया को तो लगता ही होगा सीधा बता दे भाई क्या क्या है। सबसे पहले बेटा प्रोटोटाइप में डाला जाता है, एक आर्टिफिशियल, एक वैसा ही रूम या वो आर्टिफिशियल कंडीशन है। धीरे 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 वो कंडीशन रिलैक्स की जाती है और फिर आपको उसके टेम्परेचर में लाया जाता है, और कुछ दिन का समय लगता है। सुनो, समझ में आ रही है बेटा बात? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या चीज होती है? आगे बढ़ जाए बाबू। एक बार ना ऐसे ही 3 4 साल पहले मैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ना एग्जांपल दे रहा था पायलट की ट्रेनिंग का, तो हैं मारुति टीचर, मेरे बच्चों ने एग्जांपल दे दिया। मैं नहीं, पायलट की ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है, होता है होता है ब्ला। लास्ट ईयर में सीबीएसई सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा था, तो सीबीएसई ने भी एग्जाम्पल दिया था। चलो मैंने कहा देर सवेर से हमारी सारी बातें प्रूव होती हैं, समय जरूर लगता है, मेरी बातें प्रूव होती हैं, बहुत ही सारी हैं करके। चलो खैर बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड पर चर्चा करते हैं। 3 हैं ठीक है, तीनों की चर्चा आज ही करनी है। पहला है अप्रेंटाइसशिप, दूसरा है इंटर्नशिप, तीसरा है इंडक्शन ट्रेनिंग। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे ठीक है ना, सीधा सीधा चल के मैं बहुत जल्दी हो जाता हूँ। आओ सामने, अब वो थर्ड नंबर पे लिखी गई है इंडक्शन ट्रेनिंग। कुछ याद है क्या है? मैंने वर्ड लिखवाया बीच में आपको, इंटरनल सोर्सेस की मेरिट में लिखा है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। मैंने कहा था बेटा लिख लो नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, अभी याद आया? और मैंने बताया था कि इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एक ही बात होती है। ओरिएंटेशन क्या था? नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करना, रूल्स रेगुलेशन मिशन विजन ऑब्जेक्टिव सीईओ एमडी ब्ला ब्ला ब्ला। अभी पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है, एक ट्रेनिंग खत्म हो गई ठीक है। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं अभी समझ में आएगा, बाकी दोनों ट्रेनिंग समझ में आ जाएगी। जैसे वेस्टिब्यूल समझ में आया ना, वेजिटेबल समझ में आया ना, तो अगली ये दोनों भी आएंगे। ये पुराना मुद्दा तो ये हो चुका है ठीक है जी। आ जाओ बाबू, सेकेंड ट्रेनिंग में लिखा है इंटर्नशिप, बहुत काम की ट्रेनिंग है, सुनना। इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये क्या चीज़ होती है बेटा? इंडिया में हर प्रोफेशनल को इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हर प्रोफेशनल को। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए भी करनी पड़ती है, लॉयर बनने के लिए भी करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है बाबू। इंटर्नशिप क्यों कराई जाती है, थोड़ा सा ये समझो। टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। भैया अगर सीए को ये कह दिया जाए, ये इतनी किताबें हैं, ले पढ़ पेपर दे, जैसे ही तो पेपर देगा वैसे तो सीए। मुझे एक बार बताओ, अगर ऐसे सीए बन गए तो कौन सी फॉर्म को ऑडिट कर लोगे आप, किताबें पढ़ के या किताबें पढ़ के कौन सा इनकम टैक्स का केस लड़ लोगे? अगर डॉक्टर को कह देते ये इतनी किताबें हैं, ले फटाफट से पढ़ पेपर दे, जैसे ही पास होकर डॉक्टर, तो क्या वो सर्जरी कर लेगा? किताबें पढ़ के, किताबें पढ़ के हो जाती है सर्जरी। बेटा इंटर्नशिप ट्रेनिंग हमेशा इसलिए कराई जाती है ताकि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में बैलेंस बिठा सके। आप थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हो इन द क्लासरूम्स, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखने के लिए प्रोफेशनल के पास जाना होता है। सीए की 3 साल की इंटर्नशिप होती है, 3 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर काम सीखना पड़ता है, 10 से 5, 7 घंटे रोज, और पढ़ाई 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद। 4 बजे उठ के मैं पढ़ा करता था, 9 साढ़े 9 तक पढ़ता था, रेडी होता था, सीए के बाद जाता था, 10 से 5 काम सीखता था, 6 बजे फिर शुरू हो जाता था।
मेरा गोतिया जी निकल 3 साल में। तो भैया जो मैं घर बैठ के थ्योरेटिकली पढ़ता था या लेक्चर लेता था कोचिंग लेता था उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखने सीखने के बाद जाता था। भाई ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है पढ़ा है हमने, थ्योरेटिकली पढ़ना बहुत अलग है प्रैक्टिकली सीखना बहुत अलग है। इनकम टैक्स केसेस वहाँ पढ़े हैं, सेक्शन लॉ सब पढ़ा है भैया, प्रैक्टिकली कभी रेड हैंडल करी है? किताबें पढ़ के रेड हैंडल नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल एटमोसफेयर बहुत अलग है। तो मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटर्नशिप इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी थिंग। सर यानी डॉक्टर को क्यों इंटर्नशिप से गुजरना पड़ता है? बेटा कसम से बताऊं, एक छोटी सी चोट लग जाए ना डॉक्टर ड्रेसिंग नहीं कर सकता था, किताबें पढ़ रहा है खाली। इतनी जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। समझ में आ रही है सारी बात जो मैं बात बोल रहा हूँ? क्लियर है पक्का से बाबू? जब आप इंटर्नशिप पे होते हो, ये बात नोट्स नहीं लिखते मैं बता रहा हूँ काम की बात है बाबू, जब आप इंटर्नशिप पे होते हो तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है जिसको बोला जाता है स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड, इट इज नॉट सैलरी, स्टाइपेंड। बाबू हमेशा ध्यान रखना, सैलरी एक ट्रेन आदमी को मिलती है और स्टाइपेंड हमेशा ट्रेनिंग को। मेरी 3 साल की ट्रेनिंग थी, मैं इधर देखो मेरी 3 साल की सीधी ट्रेनिंग थी, मैं आपको बता देता हूँ मुझे कितने रुपए मिलते थे। आपको तो लग रहा होगा बहुत बढ़िया मिलता, पहले साल 750 रुपये महीना, 2500 रुपये रोज, दूसरे साल 1000 रुपये महीना और तीसरे साल 1250 रुपये महीना। आज की तारीख में रेट 4 4 गुना है, पहले साल 3000, दूसरे साल 4000, तीसरे साल 5000, मुझे तीसरे साल 1250 मिलते थे। यू आर ऑलमोस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी तीसरे साल की ट्रेनिंग चल रही है, मुझे अपने ऑफिस का सारा काम आता था, मैं राजा था। मैं बैठ जाता था भाई, सारे चुनिया था इधर, फायदा था इधर, मैं सिर्फ काम बांटा करता था। तीसरे साल को मेरे ऑफिस का मुझे सारा काम आता था, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मेरे सर को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, कहते मैं नहीं दूँ ये पूरा ऑफिस चला लेगा, मैं ऐसे चलाता था अकेला पूरा ऑफिस। तो समझो कितना मिलता था, 1250 रुपये महीना पूरा काम आने के बाद भी, ठीक है ना? चाहे वो आदमी खुद 1 जीरो या 2 जीरो बढ़ाकर कमा रहा हो एक महीने के, हमें नहीं चेक मिलता था। प्रूफ कैसे होगा भाई? सीए हर चीज का प्रूफ रखते हैं भाई, सीए सीए को तो ना बताओ कैश। हाँ जी ठीक है ना, 1 2 3 0, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जितनी आपकी सही पड़े उसका 3 0 और लगा लो, इतना कमा रहे होते हैं महीने का, पर आपको एक्चुअली में मिलेगा उतना ही जितना नॉर्म्स है। समझ में आ रही है बात? तो बाबू ट्रेनिंग पीरियड में जो मिलता है वो स्टाइपेंड होता है, ट्रेन एम्प्लॉय को जो मिलता है वो सैलरी होती है। क्लियर हो ना? आगे बढ़ाओ बाबू, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज अप्रेंटाइजशिप। अप्रेंटाइज क्या होता है बेटा? अप्रेंटाइज बेटा ट्रेनिंग को बोला जाता है, ट्रेनिंग का नाम है अप्रेंटाइजशिप बेटा। ऐसी ट्रेनिंग का ना टाइम पीरियड बड़ा ज्यादा होता है क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है 2 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर। ऐसी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की भी होती है। कई बार आपने देखा है आपने एक इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, सर ये होल्डर खराब है, ये बल्ब खराब है, दो तीन चीजों में हो रहा है दिक्कत, आप घर आ जाना, वो घर आएगा इलेक्ट्रिशियन साथ में भी छोटो लेके आएगा अपना, छोटो सीढ़ी लगाए आप, है देखते कभी? और छोटो ने जितने काम सीखे होते हैं ये एक्चुअली ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो आप महसूस करोगे, जितना काम सीख चुके हो वो तो खुद करोगे, जो नहीं सीखा वो मेन इलेक्ट्रिशियन उसको सिखाएगा। बेटा अंडर दिस ट्रेनिंग अप्रेंटाइज इज प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। अप्रेंटाइज मीन्स ट्रेनिंग इसके अंडर प्लेस होता है मास्टर वर्कर के अंडर। मास्टर वर्कर कौन है? आपका ट्रेनर। वही उसको होल्डर लगाना आता है, छोटे वर्कर में होल्डर लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर लेंटर में तार डलनी है तो कैसे डलेगी, वो सिखा रहा है कि अच्छा देखिए तार ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, वो वहीं सिखा दी आपके घर पे, और होल्डर का काम उसको पहले कहीं और सिखाया था तो वो करवा लिया। अब अगली साइड पे जाएगा, अगर लेंटर का वही काम है तो कहेगा तो तेरे को उस दिन सिखाया था, ये तो डाल बाकी मैं कुछ और सिखाता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए इतना कुछ है इस फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के फील्ड में, कि आपकी ट्रेनिंग 2 से 5 साल लग जाती है।
और अगेन छोटू को सैलरी मिलती होगी या स्टाइपेंड? स्टाइपेंड ठीक है, जिस दिन छोटू ट्रेंड वर्कर बन जाएगा उस दिन सैलरी मिलेगी। क्लियर है बात? अब एक काम करो, सब कुछ पढ़ दो जितना मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना? अब 8 से 9 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, 4 बच्चे उसके बाहर जाना, ठीक है? जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्शन से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में चारों मेथड, जब ये पढ़ लोगे तो जा सकते हो, 6 मिनट में पढ़ो, तभी जाना। बात रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।